अच्छा, तो हम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इसकी हम तारीफें, यहाँ पर मैंने दो तारीफें दी हैं कि हम किस तरह इसकी तारीफें कर सकते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन और ट्वेल्व द मास ऑफ C12, यानी कार्बन 12 के साथ हम किसी एटम का मवाजना करते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम किसी भी अनासर या एलिमेंट का इज़ द मास ऑफ वन एटम, यानी किसी हम इस तरह लेते हैं कि किसी एटम का मास या वजन या एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के एटम के एज कंपेयर टू मास ऑफ वन ट्वेल्थ दी मास ऑफ C12, यानी कार्बन के 12वें हिस्से, वन और ट्वेल्व मतलब 1/12, यानी 12वें हिस्से के हम बराबर, यानी उसके साथ हम मवाजना करते हैं उस एटम का, यानी किसी एलिमेंट का हम मास मालूम करने, रिलेटिव मास मालूम करने के लिए हम उसको कार्बन 12 के 12वें हिस्से, वन वन और ट्वेल्व यानी 12वें हिस्से के साथ हम उसकी कंपैरिजन करते हैं, उसका मवाजना हम करते हैं। दूसरी तारीफ जो है हम इस तरह कर सकते हैं, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन ट्वेल्थ मास ऑफ द लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 C12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट हम यानी हम मास जो है इस कंपेयर्ड हम मालूम कर सकते हैं इस कंपेयर टू द मास ऑफ वन ट्वेल्थ, यानी एक यानी 12वां हिस्सा ऑफ द लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन, यानी छोटा से छोटा, हल्के से हल्का तरीन कार्बन का आइसोटोप जो है उसके साथ हम मवाजना करते हैं किसी एलिमेंट के एटम के साथ, तो हम उस एलिमेंट के एटम का मास हम मालूम करते हैं। यानी किसी के एटम का मास मालूम करने के लिए हम इसको 1/12 यानी 12 हिस्से यानी 12वें हिस्से कार्बन 12 के साथ हम किसी एलिमेंट के एटम का मवाजना करते हैं, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब ये हुई दो तारीफें यहाँ पर हमारे पास। तो अब थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। एज एटम इज़ वेरी स्मॉल, जो एटम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। द साइज ऑफ एज द एटम इज़ वेरी स्मॉल, एक जैसा कि एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। द साइज ऑफ एटम इज़ इमेजिन्ड बाई फॉलोइंग कैलकुलेशन, हम इसका कैलकुलेशन के जरिए हम इसको इमेजिन कर सकते, तस्वर कर सकते हैं। इट्स डायमीटर इज़ इक्वल अबाउट 0.2 नैनोमीटर, यानी एटम्स का डायमीटर जो है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। अ पर्सन कैन ब्रीथ अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस एटम्स, यानी अ मिलियन ऑफ एटम्स सांस के जरिए ले सकता है, यानी पर्सन जो है वो तकरीबन मिलियन ऑफ एटम सांस के जरिए इनहेल कर सकता है। मसलन हवा में भी गैसेस है, तो गैसेस में क्या हुआ, गैसेस में भी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसमें एटम्स वगैरह होते हैं, तो एक इंसान जो है ना वो मिलियंस ऑफ एटम्स इनहेल कर सकता है, यानी मिलियन जो है 10^25, मतलब फॉर एग्जांपल 10, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने किया 10^10/10, तो इसके ज़रिए आया है ये मिलियन। देयरफॉर नीड वॉज फेल्ट टू एक्सप्रेस मासिस बाय कंपेयरिंग दैम विद अ स्टैंडर्ड एटम, यानी इसी वजह से ये ज़रूरत हुई कि हम मास का मवाजना करें विद अ स्टैंडर्ड, किसी एक स्टैंडर्ड हम इसके लिए मुकर्रर करें ताकि हमें मासिस का पता चले। तो यहाँ पर कार्बन हैज़ द मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट्स, यानी कार्बन जो है इसका मास 12 है, आपको पता है, तो सो कार्बन 12 जो है इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 1/12 ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन हम ले सकते हैं इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 1/12 ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट AMU, यानी हम इसको AMU से
हम इसको जाहिर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। द क्वांटिटी ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक एक यानी कार्बन के बार कार्बन का बारहवा हिस्सा हम एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, इसको AMU से हम जाहिर करते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी एटॉमिक मास यूनिट से हम इसको इस तरह भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि वो यूनिट द एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी हम कार्बन 12 का बारहवा एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, एटॉमिक मासेस का यूनिट है। इट इज़ एब्रिविएटेड एज AMU, हम इसको AMU से जाहिर करते हैं, AMU से जाहिर करते हैं एंड इज कॉल्ड, अच्छा AMU एंड AMU को हम डाल्टन भी कहते हैं, हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं DA, यानी डाल्टन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल है ताकि आप सही तरीके से समझ जाए, द मास ऑफ सोडियम एटम इज 23 टाइम्स ग्रेटर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, यानी मास सोडियम का मास जो है 23 टाइम्स ज़्यादा है 1/12, यानी बारहवा हिस्सा ऑफ एन कार्बन, यानी AMU जो हमने लिया है उससे एटॉमिक मास यूनिट से उसका 23 टाइम्स उसका मास ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो इसका आंसर है हमारे पास 23। अच्छा तो हमने 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स का लिया है, AMU लिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी ये है कि सोडियम एटम 23 टाइम्स ग्रेटर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, सो इसी वजह से हमारे पास आया है 23 आंसर। अच्छा एग्जाम्पल टू है हमारे पास, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 13 टाइम्स हैवियर देन वन एटम ऑफ हीलियम, यानी एक एटम है वो एक्स है हमारे पास, वो 13 टाइम्स ज़्यादा है हैवियर देन वन एटम ऑफ हीलियम, हीलियम से 13 टाइम ज़्यादा है। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, अच्छा तो हीलियम जो है उसका हमें पता है कि मास नंबर 4 है, तो रिलेटिव मास हम इसका कैसे निकालेंगे, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 13 टाइम्स क्वेश्चन में दिया है देन वन एटम ऑफ हीलियम, 13 टाइम्स यानी 13 हिस्से हैवियर देन वन एटम, यानी हमने यहाँ पर मास हमने पुट किया है हीलियम का, तो इससे हमारे पास आया है 52, ये हमारे पास आया है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्स। एग्जांपल 3 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स दैट द मास ऑफ 2 ब्रोमीन्स एटम्स आर ग्रेटर देन 4 नियॉन एटम्स, यानी कितना टाइम्स किसी 2 ब्रोमीन्स का वजन ज़्यादा है 4 नियॉन एटम्स से, वो कितना ज़्यादा है, तो नियान का हमारे पास हमें मालूम है, हमें पता है कि उसका एटॉमिक मास जो है 20 है और ब्रोमीन का हमारे पास एटॉमिक मास 80 है, जो कि गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कैसे आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास का, 2 ब्रोमीन्स एटम्स जो है आर ग्रेटर, हाउ मेनी टाइम्स 2 ब्रोमीन एटम्स आर, 2 ब्रोमीन एटम, तो हमने यहाँ पर 2 ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन का हमने यहाँ पर लिखा है मास, हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, और हाउ मेनी टाइम्स दिस आर ग्रेटर देन 4 नियॉन, 4 नियॉन का हमने यहाँ पर लिखा है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है किस चीज़ के साथ, उसके एटॉमिक मास के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास यहाँ आया है 160 over 80, तो इज इक्वल टू हमने उसको सिंप्लीफाई किया है और मज़ीद, तो अच्छा तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन AMU और ग्राम्स को हम यहाँ पर जानते हैं कि ये कैसे इसका क्या क्या रिलेशनशिप है। 1 mole जो है ऑफ कार्बन एटम्स जो है इज इक्वल टू 12 grams,
6.023 मल्टीप्लाई बाई 10^23 कार्बन एटम्स। हमने ये क्यों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है। एवोकाडो नंबर को हम आगे डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 और 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10^23। यानी हमने यहाँ पर ये एवोकाडो नंबर जो है यहाँ से हम इस साइड लेके आए हैं, 12 जो है कार्बन एटम जो है हमने यहाँ पर वो छोड़ दिया है और ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया, दूसरे साइड में हम लेके चले गए हैं। तो इसके डिवीजन के बाद हमारे पास आता है ये, हमारे पास ये वैल्यू आती है 1.99 × 10^-23 ग्राम हमारे पास आता है। तो ये यहाँ आ गया हमारे पास। तो सो ये तो 12 AMU वेट्स जो है हमारे पास आ गया है 1.99 × 10^-23। तो हम इसको 1 AMU जो है हम वो रहने देते हैं, 12 जो है इस साइड से हम दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 AMU रह जाता है इस साइड में। तो 12 दूसरे साइड में हम ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा दूसरा साइड। तो 1 AMU वेट जो है उसका वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगा 0.167 × 10^-23 ग्राम यहाँ पर हम। सो 1 AMU हमारे पास आ गया है 1.67 × 10^-23 ग्राम्स हमारे पास आ गया है। ये अगर हम किलोग्राम में जाहिर करें तो किलोग्राम में ये वैल्यू हमारे पास ये होगी 1.67।